वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी। तो बच्चों, प्रीवियसली हमने रियल एनालिसिस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जिसको हम चैप्टर वन भी बोलते हैं। दैट इज, उसमें आपको पूरा का पूरा रियल एनालिसिस में जितना भी चीजें आपकी जरूरत पड़ने वाली है वो आपको मिल जाएंगी। तो रियल एनालिसिस का कोर्स शुरू करने से पहले बेटा, वो चीजों को आप ध्यान से पढ़ें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन चैप्टर जो है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले हम सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है ना, उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जो ये सीक्वेंस है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको उस सीक्वेंस की डेफिनेशन समझाता हूँ। तो देखिए ध्यान से, सीक्वेंस बेसिकली होती क्या है कि एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक। अगर मैं इसको रियल नंबर के डिफाइन कर रहा हूँ, नेचुरल से रियल, तो हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैं यहाँ से क्यों लिख देता, दैट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर तक डिफाइन कर देता, तो हम क्या बोलते, सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अब हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, तो हम रियल नंबर्स की बात करेंगे। तो अगर हम ये फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, तो इस फंक्शन की जो आउटपुट्स आती हैं हमारे पास, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n, तो मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक फंक्शन डिफाइन किया। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको इसकी आउटपुट लिख कर दिखाऊँ, तो वो आउटपुट हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम एफ ऑफ वन लिखेंगे, फिर हम एफ ऑफ टू लिखेंगे, फिर एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ फोर एंड सो ऑन। ऐसे ही हम इसकी आउटपुट को लिखते रहेंगे। अब ध्यान से देखिए, एफ ऑफ वन की हम जब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या मिलेगा, वन। अब ये हमारे को मिलेगा 1/2, फिर ये हमारे को मिलेगा 1/3 एंड 1/4, और बीच में हम इनके कॉमास लगा देते हैं इस तरह से। तो ये मेरे को कुछ नंबर्स मिलते रहेंगे। अब बेटा, जो ये नंबर मेरे को मिलते रहेंगे, उन्हीं नंबर्स को मैं क्या बोलूंगा कि ये क्या है, एक रियल नंबर की सीक्वेंस है। अब देखिए होता क्या है कि मैं एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री एंड एफ ऑफ फोर, इन नंबर्स को लिखने की बजाय इसको एक नई नोटेशन के साथ डिनोट करता हूँ। वो कैसे, देखिए ध्यान से। अब देखिए, ये मेरे पास सीक्वेंस का फर्स्ट मेंबर था, तो मैं इसको डिनोट करता हूँ एक्स वन के साथ। ये वन क्या डिनोट कर रहा है कि मेरी सीक्वेंस का पहला मेंबर जो है वो वन है। फिर मैं यहाँ पे इसको डिनोट करता हूँ एक्स टू के साथ। ये क्या डिपेंड कर रहा है कि सेकंड पोजीशन पे मेरे पास जो सीक्वेंस का मेंबर है वो क्या है, आपका 1/2। फिर उसी तरह से मैं इसको डिनोट करूंगा एक्स थ्री के साथ। फिर उसी तरह से मैं इसको डिनोट करूंगा एक्स फोर के साथ। तो बेटा, इसी तरह से हम इस ये नोटेशन को यूज़ करते हैं सीक्वेंसेस को शो करने के लिए। अगर मेरे को इन जर्नल में इसकी nth टर्म को रिप्रेजेंट करना होता, तो मैं कैसे लिखता, दैट इज एक्स एन इज इक्वल टू 1/n। मतलब कि जो ये नोटेशन है ना मेरे पास एफ ओ एन, इसको हमने अपना रिप्लेस कर दिया किसके साथ, एक्स ऑफ एन के साथ इसको हमने रिप्लेस कर दिया एक तरह से। तो इसी तरह से हम सीक्वेंसेस को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर वन पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/1, टू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/2। तो यही नोटेशन आपकी सीक्वेंस की बेटा चलती रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रहती है सीक्वेंस में, वो रहती है इसकी ऑर्डरिंग। हम बेसिकली करके क्या है सीक्वेंस में कि अभी तक ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रैंडम नंबर्स होते हैं, कोई भी आप रियल नंबर्स ले लीजिए, बट अगर आप उनकी पोजीशन को क्या कर दें, फिक्स कर दें कि मेरी फर्स्ट पोजीशन पे मेरे को यही मेंबर मिलना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे यही मेंबर मिलना चाहिए और थर्ड पोजीशन पे आपको यही मेंबर्स मिलते रहने चाहिए, तो वो क्या बन जाती है, हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाती है। अब उसी को फिक्सिंग की पोजीशन, कि जो हमने ये रियल नंबर्स की पोजीशन को फिक्स किया है, उसी को हमने एक तरह से फंक्शन के साथ उसको डिनोट कर दिया। यहाँ से क्या हो जाएंगी, उनके नंबर्स की पोजीशन जो है वो फिक्स हो जाएंगी। मीन सेकंड पोजीशन पे मेरे पास इस सीक्वेंस में 1/2 ही आएगा। तो बेटा, यही आपके पास जो बेसिकली सीक्वेंस होती है। अब ध्यान से देखिए, अब इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का बेटा मेथड क्या होता है। सबसे पहला मेथड क्या होता है कि मैं इस सीक्वेंस के सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंट करूंगा।
और उसके लिए बेटा आपको जो ये ब्रैकेट यूज करनी है वो ये वाली ब्रैकेट यूज करनी है सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड क्या होगा, मैं इसी सीक्वेंस को अपनी 1/4 एंड सो ऑन, और साथ ही में यहाँ पर हम उस 1/n कुछ लिख देंगे एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास हो जाएगी इसकी फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन हमारी सीक्वेंस की। अब उसके बाद दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, अब इस सीक्वेंस की लिखने के सारे मेंबर्स लिखने की जगह मैं उसको कुछ इस तरह से डिनोट करूंगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा इसका कोई भी एक मेंबर लिख दूंगा जर्नल में, दैट इज 1/n कॉमा, और यहाँ पर हम डिनोट कर देंगे कि जो एन है मेरे पास वो बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा क्या है, इसमें आपको जो ये ब्रैकेट्स यूज करनी है ना, तो वो ये सिंपल ओपन ब्रैकेट जो हम बोलते हैं इसको, ये वाली ही ब्रैकेट यूज करनी है, इसके अलावा आपने ब्रैकेट यूज नहीं करनी। अगर आप इस पे कर्ली ब्रैकेट डाल दोगे बेटा तो इसका मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अब बच्चों मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ सीक्वेंस की, देखिए ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ, एक सीक्वेंस लिखता हूँ 1, -1, -1, -1, -1, मतलब कि ये सीक्वेंस जो है आपके पास वो ऐसे ही चलती रहेगी, और इस एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा कि मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर दूंगा कि एक्स एन जो एक सीक्वेंस है हमारी, उसको हम डिनोट कर देंगे -1 की पावर n+1। तो यहाँ से क्या होगा कि जब भी मैं इसको 1 इनपुट दूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, अगर मैं इसको 2 इनपुट दूंगा तो ये और बन जाएगी पावर, तो आपके पास -1 आ जाएगा। मीन्स ये मेरे पास सीक्वेंसेस को लिखने का एक अच्छा मेथड होता है, या मैं इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकता था सिंपली x belongs to -1 raised to power n+1, और यहाँ पर हम लिख देते कि जो n है मेरे पास वो बिलोंग कर रहा है आपका एक नेचुरल नंबर से। मेन बात यह है कि सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए आपको ये वाली ही ब्रैकेट चाहिए होती है, वो क्यों, उसका मतलब आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास अगली डेफिनेशन होती है रेंज ऑफ द सीक्वेंस, दैट इज रेंज ऑफ द सीक्वेंस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो रेंज ऑफ द सीक्वेंस इसका मतलब क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने ये वाले सीक्वेंस को डिफाइन किया है तो इसमें जितनी भी पॉसिबल आउटपुट्स आएंगी उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी रेंज बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, अब इसकी पॉसिबल आउटपुट सारी की सारी क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 एंड -1। तो मैं क्या लिखूंगा कि जो हमारे पास ये वाली सीक्वेंस है इसको मैं नंबर 1 नाम दे देता हूँ, जो ये फर्स्ट वाली सीक्वेंस है हमारे पास, इसकी जब हम रेंज निकालेंगे, अब वो रेंज आपके पास क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 एंड -1, क्योंकि रेंज हमारे पास एक सेट होता है और सेट में हम कभी भी एलिमेंट्स को दोबारा रिपीट नहीं करते। रेंज बेसिकली क्या होती है, एक सेट है, और सेट्स में हम उनके एलिमेंट्स को दोबारा से रिपीट नहीं करते, तो इसीलिए जो एलिमेंट्स एक बार ही आते हैं, रिपीट होते हैं, उनको हम एक ही बार लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूँ अब सेकेंड सीक्वेंस की, तो अब मैं सीक्वेंस अपनी पहले वाली ही सीक्वेंस डिफाइन करता हूँ, xn=1/n, और ये मैंने अपनी सेकेंड सीक्वेंस डिफाइन कर दी। अब ये सीक्वेंस हमारे पास बनने क्या वाली है, ध्यान से देखिए, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास जो सीक्वेंस बनने वाली है वो कुछ आपकी इस तरह से बनने वाली है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इस पहले वाली सीक्वेंस, अब ये जो मेरे पास सीक्वेंस आई है, अब मैं इसकी रेंज लिखता हूँ, तो इसकी रेंज भी क्या आएगी आपके पास, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो ये आ गई आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए नोटेशन का, अगर मैं ये मेरे पास एक सीक्वेंस बड़ी हुई है और ये आपने इस तरह से सेट को डिफाइन कर दिया, ये सीक्वेंस डिफाइन की है, अब देखिए ध्यान से, अब इस सीक्वेंस की जगह अगर आपने इस कर्ली ब्रैकेट की जगह ये वाली ब्रैकेट लगा दी होती, दैट इज आपने सीक्वेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, तो बेटा
ये आपने गलत कर दिया, ये आपने एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट नहीं किया, ये आपने उस सीक्वेंस की रेंज को रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल कर दिए। तो मीन्स जब आप ये कर्ली ब्रैकेट यूज करोगे तो ये आपके पास क्या डिनोट करेगी, उस सीक्वेंस की रेंज। अगर आप ये ओपन ब्रैकेट यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स उसके जो भी एलिमेंट्स हैं हम उसको एक ऑर्डर में लिख रहे हैं, और जब आप ये कर्ली ब्रैकेट यूज करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप उस सीक्वेंस की रेंज लिख रहे हैं। देखिए ध्यान से, अब जब मैंने ये ओपन ब्रैकेट का यूज किया गया है तो मैं क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास एक सीक्वेंस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है एक सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रही है। बट अगर आप ये कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे तो वो एक सीक्वेंस रिप्रेजेंट नहीं करेगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, उस सीक्वेंस की रेंज को रिप्रेजेंट करेगी वो। अब बच्चों अगली जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है बाउंडेड सीक्वेंस की। तो देखिए बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, अगर मेरे पास मान लीजिए कोई भी एक सीक्वेंस है एक्स, जिसको मैं इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ एक्स एन, अगर ये मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस है एक्स एन, तो अगर मेरे को कोई भी एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर मिलता है, अगर हमारे को कोई भी एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाए जिसके साथ क्या हो कि जो ये सीक्वेंस के मेरे पास जितने भी ये मेंबर्स पड़े हैं उनके ऊपर मैं क्या लगा दूं, मोड लगा दूं, और वो सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं मोड लगाने के बाद इस नंबर एम के स्मॉलर आ जाएं सभी के सभी मेंबर्स, दैट इज़ फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो सीक्वेंस है हमारे पास वो क्या रहेगी, एक बाउंडेड सीक्वेंस रहेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ध्यान से। अब मैंने मान लीजिए एक सीक्वेंस डिफाइन की एक्स एन, उसको डिफाइन किया मैंने 1/n के साथ। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक नेचुरल नंबर एम लिखा ना, यहाँ पर आप इक्वालिटी भी ले सकते हो, मतलब कि उसके इक्वल भी आ सकते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, मैं इसके अगर मेंबर लिखूंगा 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन, तो ये मेरे पास क्या रहेंगे, उस सीक्वेंस के कुछ मेंबर्स रहेंगे। अब मेरे को क्या करना है, एक ऐसा एम ढूंढना है जिसके साथ क्या हो इसके मेंबर्स किसी भी एक रियल नंबर से स्मॉलर आ जाएं। तो अब ध्यान से देखिए, मेरे पास ये 1 पड़ा है, फिर यहाँ पर 1/2 है, 1/3, 1/4, में जितने भी ये नंबर्स मेरे पास सीक्वेंसेस के आ रहे हैं, तो अगर मैं इन पे ऊपर मोड लगा देता हूँ, मैं कोई भी एक सीक्वेंस का ये मेंबर ले लेता हूँ, इस पे मोड लगा देता हूँ, अब वो क्या आ गया, जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी के सभी मेंबर मेरे पास या तो 1 के इक्वल हैं या 1 से स्मॉलर होंगे, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। मीन्स जो हम वो पॉजिटिव नंबर हम ढूंढ रहे हैं इस केस में वो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। डैट मीन्स हम यहाँ से बोलेंगे कि जो ये सीक्वेंस है मेरे पास वो क्या बन जाएगी, एक बाउंडेड सीक्वेंस बन जाएगी। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बाउंडेड सीक्वेंस की एक अल्टरनेट डेफिनेशन होती है कि अगर उस सीक्वेंस की जो रेंज है, अगर उस सीक्वेंस की हमारे पास जो हमने रेंज निकाली है, दैट इज रेंज ऑफ द सीक्वेंस, अब एक्स एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपने क्या करना है उस सीक्वेंस की जो रेंज सेट है वो फाइंड आउट कर लेना, ये क्या है उसका रेंज सेट। अगर ये रेंज सेट मेरे पास क्या बन जाता है, एक बाउंडेड सेट, तो हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस क्या बन जाएगी हमारी, एक बाउंडेड सीक्वेंस बन जाएगी। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल के थ्रू भी इसकी डेफिनेशन को समझाता हूँ। अब मान लीजिए मैंने जो ये सीक्वेंस ली है एक्स एन, वो आपके पास आ गई -1 की पावर n, 1/2 n, और n मेरा बिलोंग कर रहा है यहाँ से नेचुरल नंबर। तो मान लीजिए अब की बार आपके पास जो ये सीक्वेंस है वो ये सीक्वेंस है, अब आपने क्या करना है इसके कुछ मेंबर्स लिखने हैं सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले n को जब 1 इनपुट दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, -1/2, फिर अगर मैं n को 2 इनपुट दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/4, फिर आगे आ जाएगा मेरे पास -1/3, फिर अगला एलिमेंट सॉरी यहाँ पे मेरे पास 3 पुट करेंगे तो 6 आएगा, -1/6,
फिर मेरे पास आ जाएगा 1/8, फिर आगे उसी तरह से आ जाएगा -1/10। तो अब ध्यान से देखिए, अब इस केस में भी क्या है कि जो ये मेंबर्स मेरे पास रहेंगे, अब ये तो मेंबर्स थे मोड के, अब मैंने क्या कर दिया, इस सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी पे मोड अप्लाई कर दिया। जब मोड अप्लाई करूँगा तब तो ये माइनस के जो नंबर्स हैं मेरे पास वो किस में आने शुरू हो जाएंगे आपके पॉजिटिव में, डैट इज़ 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड 1/10। मोड के साथ क्या होगा कि जितने भी आपके नेगेटिव में एलिमेंट्स थे अब वो सारे के सारे आपको पॉजिटिव में दिखने लग जाएंगे। अब फिर से आपको वही काम करना है, एक ऐसा मेंबर ढूंढना है, एक ऐसा रियल नंबर ढूंढना है कि ये एलिमेंट उससे कम हो जाए। अब इस केस में मैं आप एम जो है वो आप उसको 1/2 भी ले सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास 1/2 है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मींस ये मेरे पास क्या बन गई, बाउंडेड सीक्वेंस। अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब आप m की जगह वहाँ पे 1 भी ले सकते थे अगर वो 1/2 से लेस है तो, बट इस केस में मैं कैसे लिख देता कि उसके जो इतने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रिक्टली लेस हैं आपके पास 1 के, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये भी मेरे पास वैलिड रहता। तो मीन्स बेसिकली बाउंडेड सीक्वेंस होती क्या है, उसकी रेंज सेट आपके पास मोड लगाने के बाद उसका जो रेंज सेट है एक तरह से वो बाउंडेड आना चाहिए। तो ये होगी आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस। अब मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल बताता हूँ जिसमें आपको एक बाउंडेड सीक्वेंस नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल के लिए एक्स एन, अब मैंने एक सीक्वेंस डिफाइन की एक्स एन और उसको कैसे डिफाइन किया एन, उसको 2n डिफाइन कर दिया मैंने, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमने एक सीक्वेंस डिफाइन की। अब इसमें जो मेरे पास एलिमेंट्स मिलेंगे आपको वो कैसे मिलेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब देखिए, क्या आपको एक ऐसा कोई नंबर मिलेगा कि उसके मेंबर्स को आप उससे कम रख पाएं एक पॉजिटिव नंबर से, नहीं मिल सकता, क्योंकि तो ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो मीन्स ऐसी जो सीक्वेंस होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस क्या रहेगी हमारे पास, नॉट बाउंडेड, मीन्स ये जो सीक्वेंस है आपकी वो रहेगी अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो बेसिकली बेटा जो जो हमारे को डेफिनेशन की ज़रूरत थी, बेसिकली सीक्वेंस क्या होती है और बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है वो हमने कर ली। तो अगले लेक्चर में हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे जिसकी डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसकी डेफिनेशन समझ में आ गई तो पूरा का पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है वो आपका इजीली हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम सीक्वेंस एंड सीरीज की कुछ एक कन्वर्जेंट